हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो कर लेते हैं आज के नए वीडियो का शुभारंभ। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़। तो पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों के साथ शुरुआत करते हैं आज के नए ब्लॉग का। आजकल कुछ काम की व्यस्तता के कारण बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। कुछ काम ऐसे पड़ जाते हैं निजी जीवन में जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि आपके सामने लगातार वीडियो आए और आपको पहाड़ों की खूबसूरती तस्वीरों में पहाड़ के माध्यम से आपको देता रहूँ। आजकल आप देख सकते हैं धीरे धीरे सरसों की जो फसल है वो धीरे धीरे होने लग गई है और जो सरसों के फूल होते हैं वो काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आपको सरसों के खेतों का एक सुंदर सा नज़ारा आपको दिखा देते हैं। सभी लोगों को आजकल पता है कि पूस का महीना लगा हुआ है और उत्तराखंड में जो पहाड़ में विशेषकर जो रिवाज है, यानी कि जो रीति रिवाज है, वो यह है कि जितनी भी दिहाड़ियाँ होती हैं वो पूस के महीने अपने मायके आती हैं और जब वो अपने मायके आती हैं तो उन्हें एक विशेष प्रकार का कलयऊ दिया जाता है जिसे चावल से बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में उस कलयऊ की जितनी भी रेसिपी होती है और कैसे बनाया जाता है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। ये मैं आपको बता दूं, हो सके आपको वीडियो को एडिट करने में थोड़ी देरी लगे और आपको ये वीडियो पूस के महीने नहीं माघ के महीने दिखाई दे, लेकिन जो ये वीडियो शूट हो रहा है ये अभी पूस के महीने में हो रहा है जिस टाइम पे गढ़वाल में बहुत अच्छी परंपरा है, जितनी भी दिहाड़ियाँ होती हैं वह अपने मायके आती हैं और उनको एक विशेष कलयऊ दिया जाता है जो मैं आगे भी आपको कह चुका हूँ। तो आज की जो पूरी वीडियो होगी वो कलयऊ पे आधारित होगी। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे और आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। सबसे पहले इस कलयऊ यानी कि जो उत्तराखंड पहाड़ों का जो पारंपरिक कलयऊ है, इसको बनाने के लिए चावलों को रात भर भिगोना पड़ता है और जब चावल पूरी तरह से भीग जाते हैं उसके बाद इसे पारंपरिक ढंग से ओखली में कूटा जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके भाभी ओखली में चावल को डाल रही है जो भीगे हुए चावल हैं। इसके बाद इन चावलों को अच्छी तरह से कूटा जाता है। अब चावलों को धीरे धीरे कूटा जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं इस कलयऊ बनाने की खासकर यह विशेषता होती है, इस कलयऊ को आज भी बिल्कुल पारंपरिक ढंग और तरीकों से बनाया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं ओखली भी बिल्कुल पुरानी और पारंपरिक रूप से बनाई गई ओखली है और इसे अच्छे ढंग से कूटने के बाद जब यह पूरे आटे का रूप ले लेता है तो अभी आप देख सकते हैं पूरे चावलों को इस तरह से कूटा जाता है कि जैसे आटा जैसे दिखने लग जाता है। अब चावलों को मोटी छन्नी से पूरा छाना जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं चावलों को, चावल के आटे को छाना जा रहा है। तो ये देख सकते हैं थोड़ा मोटी छन्नी होती है इसे छानने के लिए, बिल्कुल बारीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा दरदरा होता है जो चावल का आटा होता है। इसके बाद छानने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पूरे आटे को एक बर्तन पे इकट्ठा किया जाता है। तो अभी छानने वाली प्रक्रिया जारी है। अभी आप देख सकते हैं पूरे जो चावलों का आटा है वो छान के तैयार हो गया है और ये देख सकते हैं पापा ने इसमें कंडाली जिसे बिच्छू घास कहते हैं, यह पुरानी परंपरा के अनुसार इसमें रखा जाता है और इसे शगुन माना जाता है, इसीलिए इसमें बिच्छू घास का पत्ता रखा जाता है जो कि आप देख सकते हैं पापा जी ने यहाँ पे रख दिया है।
आप सबसे पहले आरसा बनाने के लिए, जो पहाड़ी कलयो होता है उसको बनाने के लिए गुड़ की चास बनाई जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं गुड़ की चास बनके तैयार हो गई है। गुड़ की चास बनने के उपरांत जो चावलों का आटा होता है उसे गुड़ की चास में बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं पापा जी गुड़ की चास में चावलों के इस आटे को मिला रहे हैं, और इस आटे को अच्छी तरह मिलाने के लिए लकड़ी की सहायता ली जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं जो लकड़ी का डंडा है उसे इस आटा और जो चास बनी होती है गुड़ की, उसमें अच्छी तरह से मिलाया जाता है, और तब तक मिलाया जाता है कि जब तक इसमें दाने ना रहें और एकदम ये महीन लपसी टाइप की बन जाती है। उसके बाद इसे गर्म तेल में गोली बना के इसे डाला जाता है, और इस प्रकार से जो पहाड़ी कलयो होता है आरसा, जो कि पारंपरिक पुरानी परंपरा के अनुसार बनाया जाता है, और आज भी विशेषतर पहाड़ों में यह कलयो बनाया जाता है। तो इस प्रकार से आरसे का कलयो बनाया जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं आरसे का कलयो और जो रोटना बोलते हैं हमारे यहाँ, वो तैयार होके बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।